हर घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है। पति पत्नी के झगड़े के अनोखे किस्से आए दिन खूब सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को लेकर अमेरिका में अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक आरोपी पति जो कि एक कंपनी में विमान पायलट था, पायलट ने जानबूझकर अपने घर के ऊपर ही विमान गिरा दिया। पायलट की इस हरकत की वजह बड़ी चौंकाने वाली है। अमेरिकी पुलिस को जब इस घटना का कारण पता चला तो वो भी हैरान रह गई। दरअसल उटा के पेसन नामक शहर के रहने वाले ड्वेने यूड ने अपनी पत्नी को मारने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया था। घटना से कुछ ही घंटे पहले ड्वेने यूड नाम को घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। गनीमत रही कि इस घटना में पायलट की पत्नी और बच्चा सही सलामत बच गए। प्लेन जैसे ही घर से टकराया उसमें फौरन आग लग गई जिसमें पायलट की मौत हो गई। इस दौरान घर में मौजूद पत्नी और बच्चा किसी तरह भाग निकले। हादसे में घर के सामने का हिस्सा जल गया। प्लेन क्रैश की घटना सुबह में हुई। जांचकर्ताओं का कहना है कि ड्वेने जिस कंपनी में काम करता था प्लेन उसी कंपनी का था। बताया जा रहा है कि ड्वेने अनुभवी पायलट था।